हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। बच्चों, चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट्स आपको खुद करने हैं सॉल्व और कुछ हम साथ में करेंगे। तो देखिए, जो अलग टाइप के दिख रहे हैं वो तो हम साथ में करेंगे ही सॉल्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हमने कर लिया है सॉल्व। अब काफी हद तक ये चीजें आप समझने लग गए होंगे। जो फोर्थ है उसका एक एग्जांपल था उस तरह का, उस टाइप का, तो वो एग्जांपल हमने किया था। ये बिल्कुल वैसा ही है, तो ये खुद कर सकते हैं आप। फिफ्थ पार्ट देखिए, पांचवा पार्ट थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, 7x माइनस 2y बाय xy इज इक्वल टू 5 है। फिर 8x प्लस 7y बाय xy इज इक्वल टू 15 है। तो इसको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है? कैसे सॉल्व करेंगे, एक बारी आप कोशिश करेंगे इसको हल करने की और फिर हम इसको साथ में करेंगे। पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप मैं बता देता हूँ क्या कर सकते हैं हम इसमें। नीचे जो एक्स वाई है, डिनोमिनेटर में एक्स वाई है, वो आप क्या ऐसा कर सकते हैं, 7x बटे एक्स वाई माइनस 2y बटे एक्स वाई, दोनों के साथ अलग अलग लिख लीजिए जो डिनोमिनेटर है उसको। उसके बाद देखिए कि आपकी कुछ चीजें यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगी और फिर पहले जैसा ही आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार इसको आप ट्राई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नोट डाउन कीजिए बच्चों पहले। तो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला जो आपके सामने इक्वेशन है, 7x माइनस 2y बाय xy इज इक्वल टू 5। जो दूसरी इक्वेशन है, 8x प्लस 7y बाय xy इज इक्वल टू 15। देखिए यहां पे आप क्या कर सकते हैं दोनों ही केस में, मैं दूसरी इक्वेशन को यहां लिख देता हूं, 8x प्लस 7y बाय xy इज इक्वल टू 15। क्या यही है दोनों इक्वेशन, 8x प्लस 7y बाय xy इज इक्वल टू 15 और पहली है 7x माइनस 2y बाय xy इज इक्वल टू 5। ये देख सकते हैं आप। अब बच्चों क्या करना है हमें, 7x बाय xy माइनस 2y बाय xy अलग अलग लिख लिया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू 5 है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर दिया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, ये बच गया 7 बाय y माइनस 2 बाय y, 2 बाय x इज इक्वल टू 5। सिमिलरली यहां पे करेंगे तो 8x बाय xy 7y बाय xy इज इक्वल टू 15 है। तो यहाँ पे देखिए x कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे y कैंसिल आउट हो गया, 8 बाय y प्लस 7 बाय x इज इक्वल टू 15, ये आ गए। तो इनसे बच्चों आप क्या कर लेंगे, अब इनको रिड्यूस कर लेंगे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपने किए हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए और फर्दर कोशिश कीजिए हल करने की इसको। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको जो x है ना, लेट 1 बाय y इज इक्वल टू, 1 बाय y को हम u मान लेते हैं और 1 बाय x को हम v मान लेते हैं, है ना। 1 बाय y को u मान लिया, 1 बाय x को v मान लिया। तो यहाँ पे देखिए 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे 8u प्लस 7v इज इक्वल टू 15 है।
दो समीकरण आ गए बच्चों हमारे पास, समीकरण एक और समीकरण दो। क्लियर है, दोनों समीकरण यहाँ पे आ चुके हैं। अब इनको आगे यूज करके सॉल्व करना है, तो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और आंसर आपका सेम आएगा। तो चलिए अभी हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके देख सकते हैं बच्चों, है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यूजिंग तो हमारे पास जो एक इक्वेशन नंबर वन थी उसका यूज करते हैं। इक्वेशन वन यही है, 7u-2v = 5। इसको यूज करके हम एक वेरिएबल, एक चर की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए 7u = 5 और 2v दूसरी तरफ गया तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, u = 5 + 2v/7 आ जाएगा। तो u की वैल्यू यहां से हमारे पास आ चुकी है बच्चों, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। अब क्या करना है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में u की वैल्यू रखने पे। तो समीकरण 2 क्या था बच्चों हमारे पास, देख लेते हैं, 8u + 7v = 15, 8u + 7v = 15। और यहाँ पे बच्चों हम इनकी वैल्यूज रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए 8u की जगह क्या आ जाएगा, 5 + 2 = 2v/7 + 7v = 15। आगे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, 8 को ब्रैकेट में लेके जाएंगे, ठीक है। 8 को ब्रैकेट में लेके जाएंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आगे इसको करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर 8 को, तो 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, ये आ जाएगा 40 + 16v/7 + 7v = 5, यही होगा। देख लीजिए इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 40 + 8 = 16v/7 + 7v = 15 है, ये कितना है 15 है, 15 है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए 7 है, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा ये 40 + 16v + 7 × 7 कितना हो जाएगा 7 × 7v = 15 × 7v, और नीचे से डिनोमिनेटर से ये हट जाएगा। एक्चुअली मैंने इसका पूरे का ये एलसीएम ले लिया इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे हम, आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 16v + 49v = 15 × 7 = 105 - 40, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 16 + 49 = 65 हो गया, 65v = 105 - 40 = 65 आ गया। तो v कितना आ गया यहाँ पे 65/65, और ये हो जाएगा 1, v आ गया यहाँ पे 1। अब बच्चों v की वैल्यू, v का मान आप समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, समीकरण 3 में v का मान रखने पर
तो समीकरण तीन क्या है बच्चों हमारे पास, देख लीजिए। समीकरण तीन है u इज इक्वल टू 5 + 2b बाय 7। तो क्या है, u इज इक्वल टू 5 + 2b बाय 7 है, तो हमें तो v की वैल्यू रखनी है 5 + 2 इंटू 1/7, और u आ जाएगा बच्चों 5 + 2/7, और u इज इक्वल टू 7/7, कैंसिल आउट करके u आ जाता है 1। अब ध्यान दीजिए, u यहाँ पे 1 है, v भी 1 है ना। दोनों को देखिए क्या क्या लेट किया था हमने, वहीं से आपका आंसर आएगा। 1/y को u लेट किया था, 1/x को v लेट किया था, दोनों की वैल्यू 1 है ना। तो सिंपल है, 1/y इज इक्वल टू 1, इतना आ गया, y इज इक्वल टू 1/1 मतलब 1 ही आएगा। अब 1/x इज इक्वल टू 1, तो x भी 1 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है बच्चों, यही हमें निकालनी थी वैल्यूज, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, यहाँ पे देखिए फिफ्थ पार्ट हमने कर लिया है, सिक्स्थ पार्ट बिल्कुल इसी की तरह है, फिफ्थ पार्ट की तरह है ना, है कि नहीं। क्या करना है आपको, देखिए 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy है ना, 6xy है, तो इसको आप क्या कर देंगे, 6x + 3y बाय xy को इस तरफ ले आए इज इक्वल टू 6। इसी तरह दूसरे वाला जो है 2x + 4y बाय xy इज इक्वल टू 5। तो देखिए xy को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया, बिल्कुल फिफ्थ की तरह बन गया ये। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बच्चों ये आप होमवर्क में करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये हिंट है आपके लिए, होमवर्क में कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है इक्वेशन 10x + y + 2x - y = 4, ठीक है, 10x + y + 2x - y = 4। दूसरी इक्वेशन है 15x + y - 5x - y = 2। ये हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें 1/x + y और 1/x - y को लेट कर लेना है ना, यू वी पी क्यू जो आप लेट करना चाहें इसको मान सकते हैं। तो आप लिखेंगे लेट 1/x + y इज इक्वल टू यू एंड 1/x - y इज इक्वल टू वी। अब आप 1/x + y की जगह u रख देंगे, तो कितना आ गया, 10 + 2v इज इक्वल टू 4। ये हो गया समीकरण एक। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 15u - 5v इज इक्वल टू -2। दो समीकरण हो गए, कोई मेथड आप यूज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। अब बच्चों यहां पे कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, हम करेंगे यहां पे एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे, यूजिंग
एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए इक्वेशन 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 × 3 = 30 हो जाएगा, 15 × 2 = 30 हो जाएगा, और 30U 30U दोनों में सेम आ गया, जो कि कैंसल आउट हो जाएंगे आगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 30U + 6V = 12, ये आ जाएगा 30U + 6V = 12। इसको हम समीकरण 3 बोल सकते हैं। अगला जो समीकरण है क्या है, 15U - 5V = -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 30U - 10V = -4। 30U - 10V = -4, इसको समीकरण 4 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, समीकरण 4 बोल देंगे। अब देख लीजिए एक बारी, चेक कर लेंगे, 30U - 10V = -4 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है बच्चों समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर। अब भाई समीकरण 3 में से अगर 4 हमें घटाना पड़ेगा तो साइन हो जाएंगे चेंज, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। देखिए प्लस 30 से माइनस 30 कैंसिल आउट, 6V + 10V, तो ये आ जाएगा 16V = 12 + 4, ये आ जाएगा 16, तो V कितना आ जाएगा, V आ जाएगा बच्चों 1, 16/16 एक हो जाता है, तो V 1 आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, V 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक समीकरण में V का मान रखेंगे, ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में V बराबर है 1 रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है आपके पास, देखिए समीकरण 1 जो है वो है 10U + 2V = 4, क्या है 10U + 2V = 4, यही है 10U + 2V = 4। यहाँ पे आपको V की वैल्यू 1 रखनी है, तो 10U + 2×1 = 4, है ना। उसके बाद बच्चों आप क्या कर देंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो 10U कितना आ जाएगा, 4 - 2, U कितना आ जाएगा 2/10, यह आ जाएगा 2 × 2 = 2, 5 = 10, तो U आ गया बच्चों 1/5। तो दोनों आ गए हमारे पास, U की वैल्यू भी आ गई और V की वैल्यू भी आ गई। इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। तो बच्चों यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए हमने क्या लेट किया था, हमने किया था 1/x + y को हमने v लेट किया था, है ना, यही किया था, देख लीजिए। एक बटे एक्स प्लस वाई को हमने u लेट किया था, 1/x + y को हमने u लेट किया था। तो 1/x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो u की वैल्यू होगी, और u की वैल्यू है 1/5, क्या है 1/5। इसी तरह 1/x - y को हमने v लेट किया था, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - y = 1।
आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 = x + y आ गया, और ये आ गया 1 = x - y आ गया। अब देखिए हमारे पास ये समीकरण आ गए है ना, इसको फिफ्थ मान लेते हैं और इसको सिक्स मान लेते हैं। अब क्या करना है, बिल्कुल वही चीज लगानी है। देखिए ये सिंपल इक्वेशन है हमारे पास, इनको सॉल्व करना है। तो समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, इनको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, x + y = 5 है और x - y = 1 है। देखिए y से y कैंसिल आउट हो गया, 2x = 6, तो यहाँ पे x कितना आ जाता है, 3 आ जाएगा। अब आपको x का मान रखना है, समीकरण x = 3 किस में रखना है, समीकरण 6 में या समीकरण 5 में रख दीजिए। समीकरण 5 में x = 3 रखने पर, तो यहाँ पे x = 3 रखेंगे समीकरण 5 में, तो क्या आ जाएगा, 3 + y = 5, तो y = 5 - 3, y = 2 आ गया। तो यहाँ पे y 2 आ जाता है, x 3 आ जाता है, यही आपकी वैल्यूज हैं। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। देखिए बस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट मेथड वही यूज होंगे, तरीके वही यूज होंगे जो आपको आते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आप क्वेश्चन अपने घर पे कर सकते हैं बच्चों, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं आप देख सकते हैं, तब से वही मेथड अप्लाई हो रहे हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोई भी मेथड हम अप्लाई कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।